जयपुर की सुरेश ज्ञान विहार में जिस तरीके से आपको पता है कि आज यहाँ कॉमेडी के बादशाह हैं वो इकट्ठा हुए हैं, और ये बताना नहीं पड़ेगा कि कौन ये कॉमेडी के बादशाह हैं क्योंकि ये अपनी खुद पहचान रखते हैं। फिर भी हम एक जो औपचारिकता है वो तो पूरी करेंगे, और उस औपचारिक के नाते हम ये बता दें कि हमारे साथ जो राजस्थान के मशहूर कॉमेडियन हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, ख्याली राम जी, वो हमारे साथ अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और हम इनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे आप तक भी कोई अच्छा संदेश मिले, क्योंकि अक्सर इनके वीडियो हैं वो दिल को छूने वाले वीडियो होते हैं, और कुछ न कुछ वो संदेश निकलकर उससे बाहर निकलकर सामने आता है। ख्याली राम जी हमसे जुड़े हुए हैं। ख्याली राम जी, आज आप जयपुर में आए हो, खेलो कॉमेडियन लीग का आयोजन भी होने जा रहा है, और इससे पहले आपने एक अपील भी की थी कि हम खेल के मनोरंजन तो करते हैं, साथ में खेल के साथ भी लोगों का मनोरंजन करेंगे। आज वो मौका आपको मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि हम टीवी की दुनिया से या मोबाइल की दुनिया में इतने बिजी हो जाते हैं कि ये चीज के लिए टाइम ही नहीं निकल पाता। तो हम बहुत दिनों से, 2-3 सालों से ऐसे प्लानिंग कर रहे थे कि सारे कॉमेडियन इकट्ठे हों, 2 दिन सारे एक साथ रहें बिग बॉस की तरह, या तो मैं लाफ्टर चैलेंज 2 में जब गया तब हम सारे कॉमेडियन एक साथ रहते थे। उसके बाद अभी ये मौका मिला है कि हम सारे राजस्थान के जितने भी कॉमेडियन हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं। पिछली बार भी ये था, अभी ये दूसरा सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में हो रहा है खेलो कॉमेडियन लीग, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सारे एक परिवार के रूप में इकट्ठे हों, एक दूसरे के सुख दुख को जानें। मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मेरे साथी मुरारी जी है वो सीकर से हैं, श्याम रंगीला है वो गंगानगर से है। मुझे कोई गंगानगर प्रॉब्लम हो तो मैं मेरे उनको फोन करके कोई समस्या बता सकता हूँ, तो हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, सहयोग करें, इसीलिए है ये हमारा, कोई हार जीत का मकसद नहीं, मिलें जुलें सब एंजॉय करें 2-3 दिन। यानी जी इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है कि यहाँ पर एक मंच पे आज बहुत सारे जो कलाकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, और कॉमेडियन के मतलब जो कॉमेडी करके लोगों का मनोरंजन करते हैं, आज किस तरीके का प्रदर्शन यहाँ देखने को मिलेगा? क्योंकि एक इतना ये जो समय है, ऐसा हर कोई व्यक्ति आज चिंता में डूबा हुआ है, आप लोग मनोरंजन करते हैं, उनको उसी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आपके इस मंच से? सर, जब भी आपको मौका मिले, जिस भी पल मौका मिले, उसका आप आनंद लो। आनंद का नाम ही परमानंद है, आनंद का नाम ही सच्चिदानंद है, जिसको भगवान का नाम दिया गया है शास्त्रों में। तो जहाँ आनंद है वहां परमात्मा है, तभी तो कहते हैं ना बच्चा भगवान का रूप होता है, क्योंकि बच्चा हमेशा आनंद में रहता है। तो हमें अब मौका मिला, थोड़ा सा टाइम मिला, तो हम भी सारे हंसी खुशी इस खेल को खेल रहे हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं भाई बंधु सब, और आप सब भी जब भी कोई अच्छा पल मिले उसको आप परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ एंजॉय करें खूब। ख्याली राम जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। ख्याली जी, एक हम आपसे आखिरी क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे कि आज यहाँ हर वर्ग के जो कॉमेडियन है इकट्ठे हुए हैं, हार जीत का कोई सवाल नहीं है, सबसे खास बात तो ये रहती है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जीतूं, और इस हार दौड़ की जो जिंदगी है उसमें वो कई चीजें पीछे छोड़ देता है, उस चीज को लेके क्या कहेंगे? सर, हमने हंसा हंसा के दुनिया जीत ली, तो लड़के क्या जीतना है ना, तो हमारा कोई ऐसे जीतने का मकसद नहीं, मेन मकसद ये है कि हम सारे इकट्ठे हों, सारे खेलें, बचपन को ताजा करें, और पिछली बार की तरह एक टीम इस बार भी जीतेगी, और वो कोई भी जीत सकती है, हमें कि नहीं तो किसी कोई पर्सनल कोई ऐसे कोई राजनीति रणनीति कोई बना रहे हैं, सब एंजॉय करने के मूड में है, सब मस्ती है, अभी कोई फेंकेगा कोई खेलेगा, छोटे छोटे मैच होंगे, सब कल प्लेयरों को फेंकने का मौका मिलेगा, सब प्लेयरों को खेलने का मौका मिलेगा। तो हालांकि मेरा तो हाथ खराब है, मैं खेल भी नहीं पाऊंगा, लेकिन ये था कि मेरे राजस्थान से सारे कॉमेडी किंग आ रहे हैं, तो मुझे इन्वाइट किया तो मुझे भी जाना चाहिए। ख्याली जी, नया वीडियो आपका क्या आने वाला है, क्योंकि लोगों को आपके जो वीडियो है उनका खासा इंतजार रहता है, तो थोड़ा सा खुलासा करना चाहेंगे? मेरी शुरुआत हुई थिएटर से, मैं श्री गंगानगर में भी थिएटर किया, यहाँ जयपुर जवाहर कला केंद्र में भी मुझे मौका मिला, 94, 99, 98 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला, फिर चंडीगढ़ मुझे थिएटर का मौका मिला, फिर एकदम चेंज हुआ, मैं लाफ्टर चैलेंज 2 में विनर रहा तो स्टैंड अप कॉमेडी शुरू हो गई, फिर कॉमेडी सर्कस और कपिल शर्मा के शो तक कम से कम 20 रियलिटी शो आ गए, फिल्में शुरू हुई तो बॉम्बे टू गोवा, सिंग इज किंग, अभी लेटेस्ट बैड न्यूज विकी कौशल के साथ जिसमें मैंने जासूस का रोल किया। तो मैंने डायरेक्टर को पूछा भी मुझे ये जासूस का रोल क्यों दिया, बोले जी आपके कान इंडियन जासूस जैसे लगते हैं, तो मैं यहाँ कानों की वजह से भी काम मिल सकता है। तो अभी लेटेस्ट जो मूवी नेक्स्ट मेरी आ रही है हवाई फायर जयदीप अहलावत के साथ, और सोशल मीडिया पर मैं लॉकडाउन में आया, मेरी बड़ी बचपन से इच्छा थी कि मैं जब भी मौका मिले राजस्थानी कॉमेडी करूँगा, लेकिन मैं लाफ्टर शो से टीवी में फिल्मों में बॉम्बे ही रहने लग गया, तो राजस्थानी से मैं दूर हो गया। अब लॉकडाउन लगा तो मैं बच्चों को लेकर राजस्थान आ गया, यही मैंने लॉकडाउन काटा, तो उस दौरान मैंने
रूपनाथ सीरीज शुरू की और भूप सिंह पटवारी सीरीज शुरू की, वो दोनों ही सुपर डुपर हिट रही। फिर मेरा एकदम चेंज हुआ पिछले एक साल से, ठीक आज के दिन जहाँ ये हमारा KCL 1 शुरू हुआ था हिंदी के मोटिवेशनल वीडियो, तो वो हमारे मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया है, मिलियन मिलियन अगस्त में 100 मिलियन लोगों ने मेरे पेज को देखा है। अभी जो परसों वीडियो लगाया था वो 40 मिलियन लोगों ने देख चुका है, आज सुबह जो लगाया वो अब तक 1 मिलियन लोग देख चुके हैं। तो अब मेरा मकसद ये हो गया कि यार मैंने बहुत हंसा लिया, बहुत थिएटर कर लिया, बहुत एक्टिंग कर ली, मैं अपनी कला के जरिए अपने समाज को, अपने देश को मैसेज क्या दे सकता हूँ। तो जिस वीडियो का आप तारीफ कर रहे हैं वो वही वीडियो है, आगे भी हम इसी तरह के वीडियो ला रहे हैं कि जो चीजें कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, शास्त्रों में पढ़ाई जाती है वो हम एक नाटक के जरिए सिखाना चाहते हैं आज के बच्चों को। क्या लीजिए, राजस्थान की जो पिक्चरें हैं उनको एक प्रॉपर मंच नहीं मिल पा रहा है, तो उसको लेके आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर देखने को मिल रहा है बिहार की पिक्चरें हैं या फिर अन्य भाषाओं की जो पिक्चरें हैं उनको अच्छा मंच मिलता है, लेकिन राजस्थान की पिक्चरें कहीं कहीं जाके उन्हें एक थिएटर में भी जगह नहीं मिल पाती है। सर, राजस्थानी पिक्चर को कभी मौका नहीं मिल सकता, कभी उभर नहीं सकता राजस्थानी सिनेमा, बिकॉज हमारी भाषा एक नहीं है, हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं है। आप जिस बिहार की बात कर रहे हैं, जिस यूपी या जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाती है। आज पंजाब में जो बच्चा पंजाबी पढ़ेगा, पटियाला में भी वही पंजाबी बोलेगा, बठिंडा में भी वही पंजाबी बोलेगा, अमृतसर में वही पंजाबी बोलेगा। हम हनुमानगढ़ गंगानगर वाले अलग राजस्थानी बोलते हैं, अब कोटा उदयपुर वाले अलग राजस्थानी बोलते हैं, जैसलमेर जोधपुर अलग राजस्थानी बोलता है, तो हमारी फिल्में कैसे डेवलप हो पाएगी? फिल्मों को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने से जितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है वहां सपोज करो आप कितने हजारों लाखों के प्रोफेसर, कॉलेज के टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, कितना बड़ा रोजगार मिलेगा, पेंटरों को रोजगार मिलेगा, वो लोग राजस्थानी में लिखना शुरू कर देंगे। राजस्थानी भाषा मिलने से हमारी भाषा पूरे राजस्थान की एक हो जाएगी। क्यों, आज जो बच्चे राजस्थानी पढ़ना शुरू करेंगे वो 20 साल बाद हमारे पूरे राजस्थान की भाषा एक हो जाएगी, उस दिन राजस्थानी सिनेमा चलेगा और बाहर जो राजस्थानी रह रहे हैं वो लोग भी सिनेमा देखेंगे। आज पंजाबी टेरिटरी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन पंजाबी जो दिल्ली रहते हैं, पंजाबी जो कनाडा रहते हैं, पंजाबी जो यूपी में गोड़ा एक शहर है, पूरा डिस्ट्रिक्ट ही पंजाबी है, वो वहाँ चलती है। हमारे राजस्थानी लोग भी जहाँ जहाँ रहते हैं, आसाम में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, वो लोग भी चाहते हैं राजस्थानी सिनेमा आए। बाहर जो रहते हैं वो लोग भी चाहते हैं, लेकिन हमारी भाषा एक नहीं है, तो हम किस भाषा में बनाएं? बागड़ी में बनाएं, मावाड़ी में बनाएं, मारवाड़ी में बनाएं, मेवाती में बनाएं, किस भाषा में बनाएं? धन्यवाद श्याम ख्याली जी तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ ख्याली राम जी जुड़े और उन्होंने बताया, अपने अनुभव शेयर किया। उन्होंने कहा कि जीत हार की जो बात है वो तो चलती रहेगी, लेकिन जो उनको मौका मिला है वो मौका वो गंवाना नहीं चाहते थे, उनके हाथ में लगी हुई है, लेकिन फिर भी आज वो जो खेलो कॉमेडियन लीग है इसमें शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं भले खेलूं नहीं, लेकिन जो मुझे जो उनके पुराने यार दोस्त हैं उनसे मिलने का ही मौका मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंशुल के साथ पवन शर्मा, जनता दरबार न्यूज। Thank you.